पिछले 1 दिसंबर से चली आ रही आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल आज 18 दिन भी जारी रहा। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन एवं नारेबाजी भी जारी रहा। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आज आशा कर्मियों ने सदर अस्पताल स्थित ओटी का मुख्य गेट बाहर से बंद करके धरने पर सुबह से ही बैठी है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर रही। वहीं मौके पर पहुंचे सदर SDO एवं सिविल सर्जन ने कर्मियों को समझाया। गेट में ले बारी ले जा ही नहीं खेल ले दवाई कहाँ से आए हैं रदाबाद कहाँ दिखाने आए थे यहाँ हम आए थे शुगर का दिखाने आए थे तो यहाँ जब से आप आए हैं तब से ऐसा है हाँ। तो कोई डॉक्टर सब नहीं आया कोई है ना अब आए चले गए पैर टूट गया आपका बाबू तो आप इलाज नहीं हुआ यहाँ पे बाबू 2 बजे कौन बोला 2 बजे खुलेगा तो जब से आप आई हैं उसी पैर टूटा लेकर आई यहाँ पर अब तक इलाज नहीं हुआ है कहाँ से आई आप कौ बजे आई थी उसे कार्य बाधित हो रहे हैं इसमें निष्कर्ष तो मैं ये केवल देख रहा हूँ कि मेरे ही सामने स्वास्थ्य कार्यक्रम ठप पड़ गया है और हम लोग उसको समझा नहीं पा रहे हैं इसलिए कि मेरे स्तर का डिमांड तो है नहीं और हमने जिस स्तर का डिमांड था उस स्तर तक पहुंचा दिया बराबर संपर्क में है प्रशासन को भी बराबर कहते रहते हैं प्रशासन भी आता है लाचार है अभी सवेरे SDO साहब आए बात किए समझाए लेकिन वो लोग अड़ी है कि नहीं और इसलिए जो है इमरजेंसी सेवा तो हम लोग छोड़े हुए हैं ध्यान आकृष्ट करने के लिए बिहार सरकार का कि आप देखिए हमारी समस्या को सुनिए आप नहीं सुन रहे हैं जब आप नहीं सुन रहे या तो जो है इतने लोगों को जेल भेज दीजिए जेल में कम से कम भोजन तो मिलेगा ऐसे बाहर में जो है 18 दिन से काम भी नहीं कर रहे हैं जो है ये बैठे हुए हैं का चेहरा